हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ट्रेंडाना स्टॉक्स। तो देखिए, अगले हफ्ते के लिए मैं तीन ऐसे स्टॉक्स आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जहां पर लास्ट वीक, लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे को स्मार्ट मनी इन्फ्यूज हुई है। यानी कि बड़े ऑपरेटर्स आप कह दीजिए या बड़े HNIs कह दीजिए, जिन लोगों ने उन स्टॉक्स के अंदर बड़ी पोजीशंस क्रिएट करी हैं, वो तीन स्टॉक्स मैं बता रहा हूं। और ये तीनों के तीनों स्टॉक्स इंट्राडे के लिए नहीं बल्कि एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से आपको कंसीडर करने चाहिए, क्योंकि जब किसी ऑपरेटर का एक मूवमेंट पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में किसी स्टॉक में होता है तो वो एटलीस्ट एक महीने से छह महीने के अंदर वो रिजल्ट आपको देता है। तो आप देखिए, मैं यहां पर आपको OI Spurt के अंदर कुछ डेटा दिखा रहा हूं, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर कहां पर फ्यूचर्स के अंदर सबसे बड़े पोजीशंस बनी है। तो पहला है, देखिए, अगर हम इंडेक्स को छोड़ दें उसके बाद में सिप्ला, तो सिप्ला के अंदर 62% का OI गेन है। चंबल फर्टिलाइजर्स की मैं बात करूं तो 57% के आसपास का OI गेन है। GNFC की मैं बात करूं तो 51% का OI गेन है। अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं 11th मार्च का OI डेटा, 11th मार्च 2022 का OI डेटा, तो यहां पर इतने परसेंट गेन देखने को मिला, यानी कि तीनों ही स्टॉक्स में OI एड हुआ है, OI एडिशन हुआ है। अगर प्राइस भी तीनों का ऊपर की तरफ गया तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग साइड में पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशंस यहां पर फ्यूचर्स में आती हुई दिखाई दी हैं, और ये इंडिकेट करेगा कि इसका स्पॉट का प्राइस भी ऊपर जाएगा आने वाले टाइम में। चलिए एक एक करके तीनों स्टॉक्स में आपके सामने ले लेता हूं। पहले हम लोग सिप्ला की बात कर लेते हैं। तो सिप्ला में देखिए क्या सिचुएशन है, यहां पर 6% की तेजी दिखा रहा है आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से। एग्जैक्टली यहीं पर आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है 1044 पर, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर नया 52 वीक हाई भी इसने लगाया है 1054 रुपए के आसपास। ये ध्यान रखिएगा, नया 52 वीक हाई भी उस दिन इसका लगा है। अब आप देखिए यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है 6% की तेजी है, वहां पर हमने देखा था OI गेन है, OI पॉजिटिव है, तो लॉन्ग की पोजीशंस यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है क्लियरली। VWAP यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कहां पर है 1023, यानी कि सबसे ज्यादा बाइंग एक्शन इस लेवल पर देखने को मिला है। और जो ऑपरेटर्स हैं, अगर किसी लेवल पर पोजीशंस बना रहे हैं, यानी कि उन्होंने इस लेवल पर बाइंग पोजीशंस बनाई हैं, तो वो हमेशा इस लेवल को डिफेंड करेंगे। तो आपको 1023 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस बनानी चाहिए यहां पर पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। ये आप आई थिंक समझ गए होंगे, पहले भी मैंने कई बार आपको ये चीज एक्सप्लेन करी है। अगर हम डिलीवरी पोजीशंस देखें तो 30% के आसपास आ रही है, लेकिन यहां पर अभी देखिए डिलीवरी पोजीशंस का बहुत बड़ा गेम होता है अगले दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए। फाइन, अगले दिन का ट्रेडिंग सेशन किस तरीके से कंडक्ट हो सकता है वहां पर इसका गेम बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग यहां पोजिशनली बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी और ऊपर के मूव्स आपको दिखा सकता है अगर आप इस टाइप से पोजीशंस बनाएं कि यहां पर स्टॉप लॉस 1025 रुपए के आसपास लगा के अपनी पोजीशंस को कैरी करें। मैं आपको साथ के साथ इसका चार्ट भी दिखा देता हूं। देखिए ये सिप्ला का चार्ट है, एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर अगर आप देखें इस टाइप की पोजीशंस यहां पर बनती हुई दिखाई दी, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आप देखिए इसने 980 रुपीज का ये जो एक बेसिकली हर्डल था, रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया ऊपर की साइड में, एंड उसके बाद में जो एक प्रीवियस हैवी रेजिस्टेंस चल रहा था इस स्टॉक में जो तकरीबन 1000 रुपीज का था, वो भी इसने ब्रेक किया लास्ट ट्रेडिंग सेशन के ऊपर ही, 1000 रुपए के ये लेवल्स भी ब्रेक किए हैं। तो वॉल्यूम्स के साथ में ये गेन आता हुआ दिखाई दिया है। RSI की पोजीशन अगर आप देखें तो RSI भी स्टिल यहां पर 77 पॉइंट्स के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। जनरली देखिए 77 पॉइंट्स के आसपास आने के बाद में डेफिनेटली इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बोली है कि अभी मोमेंटम है, इस मोमेंटम को कैच भी करना है, लेकिन अपनी पोजीशंस को सेफ साइड में सिक्योर करके चलना है, तो 1025 का आपको स्टॉप लॉस लगा के यहां पर अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करना है। बट एज पर द डेटा ये बहुत अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको अगले स्टॉक की तरफ लेके चल रहा हूं जो कि देखिए चंबल फर्टिलाइजर्स का, एंड चंबल फर्टिलाइजर्स पे आप देखिए 57% का OI गेन है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स में अगर आप देखें 2% का यहां पर गेन दिखा रहा है 1.82% के आसपास, एंड इसी के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है डे हाई, जबकि 431 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या डेटा है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। तो OI गेन जो है 57% का था, यहां पर 2% की तेजी, तो अगेन यहां पर भी लॉन्ग साइड में पोजीशंस है, ठीक है ना। इसका VWAP 423 पर है, यानी कि इसके आसपास 425 पर स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है पोजीशंस अगर कैरी करनी है। 485 रुपीज के आसपास का 52 वीक हाई है इसी साल 20 जनवरी का, एंड 207 रुपए का है 52 वीक लो 19 मार्च 2021 का। तो आप सोच सकते हैं कि इस चंबल फर्टिलाइजर के स्टॉक ने एक साल के अंदर कितने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं,
तकरीबन आप समझ लीजिए 100% से भी ज्यादा की रिटर्न आपको आते हुए दिखाई दिए हैं। कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस 20% के आसपास है। अगेन यहां पर हमारा व्यू इंट्राडे नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। एंड अगर मैं इसके चार्ट दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए चंबल फर्टिलाइजर्स का ये चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये चार्ट आरएसआई के हिसाब से उससे ज्यादा कन्विंसिंग है, सिप्ला से ज्यादा कन्विंसिंग है। एग्जैक्टली आप देखिए 60 के ऊपर इसका आरएसआई है, 60 के लेवल्स पर इसका आरएसआई है एंड इट इज हैविंग अ गुड हेडरूम टिल 80 लेवल। ठीक है ना, ये 80 का जो लेवल है कौन सा लेवल है? ओवरबॉट जोन है। ओवरबॉट जोन के अंदर जब भी आरएसआई आता है इस टाइप की सिचुएशन होती है, यानी कि रिवर्स होने की चांसेस बहुत होते हैं एंड वहां से सेलिंग देखने को मिलती है। जैसे आपने ये देखा है, फाइन, यहां पर सेलिंग देखने को मिली है। अभी इसके पास में एक अच्छा खासा हेडरूम है। मैं समझता हूं कि अगर आप उस टाइप से पोजीशंस बनाए जैसे यहां पर आपको वीवैप के हिसाब से देखने को मिल रही है, तो नियर टर्म में भी ये स्टॉक जो है बहुत इजीली आपको 450 एंड 475 रुपीज तक के टारगेट दिखा सकता है। हालांकि मुझे लगता है चंबल फर्टिलाइजर इस बार अपने इन लेवल्स को भी पार करके ऊपर के लेवल पर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि 485 के लेवल्स को क्रॉस करके और नए 500 एंड प्लस के लेवल्स आपको दिखा सकता है अगर आप इसके अंदर टाइम दें। तो अगर टारगेट बड़े के लिए रुक रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस भी 425 नहीं होगा, फिर आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा और डीप होना चाहिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे आपको मैंने ऑलरेडी मार्क करना सिखाया, उस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके लॉन्गर साइड में थोड़ा सा पोजिशनल लॉन्ग व्यू बना सकते हैं। एंड अगर इमीजिएटली हफ्ते या 10 दिन का व्यू बनाना है तो मैं समझता हूं वी वेब के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए, इन पोजिशन को कैरी फॉरवर्ड कीजिए, काफी अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस स्टॉक में भी। अगले स्टॉक की तरफ चलता हूं। अगला जो स्टॉक है हमारा वो है जीएनएफसी, जहां पर 51% का ओआई गेन है। जीएनएफसी की बात करेंगे तो देखिए हमारे पास में जीएनएफसी के अंदर क्या सिचुएशन है, जीएनएफसी के अंदर यानी कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड के अंदर भी नया 52-week हाई लगाया है 715.75 रुपए पर एंड 12% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिली है। 12% की तेजी तो सिर्फ आ रही है 706 के हिसाब से। अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो आप समझ सकते हैं तकरीबन 15% की तेजी ये होती भी नजर आएगी। 709 पर इसकी क्लोजिंग है। यहां पर टेक्निकल पैटर्न भी देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर तो देखिए 52-week हाई 11 तारीख को ही लगा है और 25 मार्च 2021 का इसका जो 52-week लो है वो 280 रुपीज से भी नीचे है। तो आप सोचिए इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दे दिए हैं पिछले 12 महीने के अंदर। 12 महीने में ये स्टॉक दुगने से ज्यादा हो चुका है, 2.5 गुना के आसपास के रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। तो ये और भी ज्यादा कन्विंसिंग डेटा दिखा रहा है। अगर आप देखें यहां पर मात्र 11% की डिलीवरी परसेंटेज आ रही है, तो हो सकता है इतनी बड़ी तेजी के बाद में इसमें कल आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। बट आपको लेवल चेक करने तो वीवेब कहां दिखा रहा है 684 रुपीज पर, 684.41 पर यहां पर पोजीशंस आती हुई नजर आ रही है, यानी कि मैक्सिमम बाइंग जो हुई है वो इस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 684 के ऊपर आती हुई दिखाई दी है, जो स्मार्ट मनी इन्फ्यूज हुई है इस स्टॉक के अंदर। एंड इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए यहां पर भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन है। देखिए ये बड़ी ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन आपको क्या दिखा रही है कि स्टॉक ने प्रीवियस सारे रिकॉर्ड तोड़ के एक नए लेवल पर यहां पर अपनी पोजीशंस बनाई हैं। इंट्राडे में वॉल्यूम्स भी हाई रहे थे, लेकिन इसका जो आरएसआई है वो एग्जैक्टली 80 के ऊपर आ चुका है, ऑलमोस्ट 80 को क्रॉस कर चुका है। प्रीवियसली जब भी ऐसी सिचुएशन हुई थी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली थी, यानी कि आरएसआई नीचे आने की कोशिश करेगा, कूल ऑफ करने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपको इस स्टॉक में पोजिशनल व्यू रखते हुए कल बाइंग नहीं करनी है, इसको थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए। मुझे लगता है इन लेवल्स के आसपास आने के बाद में ये थोड़ा सा स्टेबल होगा, 630 से 650 की रेंज होगी जहां पर ये बेस्ट सुटेबल होगा लेने को लेके। यहां पर देखिए कूल ऑफ होता है इसका आरएसआई के बाद में, तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं आती है, सिर्फ आरएसआई इसका नीचे की तरफ जाता है। यानी कि क्या होता है, प्राइस तो स्टेबल रहता है, प्राइस तो यहां पर स्टेबल है, केवल वॉल्यूम्स यहां पर कम होने लगे। मैंने आपको क्या बताया था, आरएसआई इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस हमेशा। तो यहां पर प्राइस इसके स्टेबल रहते हैं, प्राइस में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती, वॉल्यूम रिड्यूस होने लगते हैं जिसकी वजह से इसका आरएसआई कूल ऑफ हो जाता है। एंड वंस ये अपने 40 के लेवल के आसपास आए तो वो बेस्ट एरिया होता है इसके अंदर बाइंग करने का। तो मुझे लगता है 40 के एरिया पे आएगा तो डेफिनेटली 630-650 की रेंज में आपको मिलेगा, वो एक अच्छे एरियाज होंगे एंड वहां से इसके अंदर रैली कैचअप हो सकती है। एंड देखिए जब बेसिकली
ऑपरेटर किसी स्टॉक के अंदर पॉजिटिव साइड में पोजीशन बना लेता है तो थोड़ी सी एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ भाई ये अगर स्मार्ट मनी इस स्टॉक के अंदर आ रही है तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ स्टडी करी होगी, कुछ टेक्निकल पैटर्न्स अच्छी तरीके से देखे होंगे, तभी वो लोग यहाँ पर इतना जबरदस्त इन्फ्यूजन कर रहे हैं। तो हमें 100% डिपेंडेंट नहीं रहना उनकी तरफ, इसलिए हमें हमेशा अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना है। इसके अंदर अगर बाइंग करेंगे 630-650 की रेंज में तो मैं समझता हूँ कि इससे तकरीबन 20-30 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि 600 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा। लेकिन इसके अंदर इमीडिएट बाइंग साइड में पोजीशंस नहीं बनानी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आरएसआई। तो ये तीन स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छा खासा ओआई गेन, ओआई स्पर्ट के अंदर आपको देखने को मिला है। फ्यूचर्स में 31 मार्च की जो सीरीज है वहां पर ये तीन स्टॉक्स पिछले ट्रेडिंग सेशन पर अच्छे खासे गेन के साथ में दिखाई दिए हैं। इसको प्ले कीजिएगा, जब भी हमने ऐसे स्टॉक्स के ऊपर व्यू रखा है हमेशा हमने देखा है कि 10 में से 9 टाइम्स जो है वो स्टॉक काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हुए नजर आए। तो इसलिए देखिए ये स्टॉक ज्यादा कन्विंसिंग नजर आ रहे हैं आगे फ्यूचर मूव को लेकर। आई होप ये तीनों स्टॉक्स आपको समझ में आ गए, टेक्निकली स्ट्रक्चर के हिसाब से एंड डेटा के हिसाब से आप डेफिनेटली अपने रिस्क रिवॉर्ड को कंसिडर करते हुए इनके ऊपर पोजिशन बना सकते हैं। ये वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत जल्दी कुछ न्यू अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे चैनल के ऊपर। तो हमेशा अपडेट रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, तभी आप ट्रेंड एंड स्टॉक्स के हर एक अपडेट से टाइम पर रूबरू हो पाएंगे। और ये वीडियो से ठीक पहले मैंने निफ्टी की वीडियो बनाई है, वहां पर एक नई जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिली है जो मार्केट पर कल हावी रह सकती है। तो फ्राइडे के सेशन के दिन हमने देखा था एक अच्छी खासी बड़ी लॉन्ग साइड पे ओपनिंग देखने को मिली, फर्म क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन अब क्या मार्केट वापस से नीचे जाएगा कल, उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो भी आप जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।